आजादी के जश्न में डूबे बिरला विद्या मंदिर के छात्र छात्राओं ने 160 मीटर लंबे तिरंगे के साथ यात्रा निकाल इतिहास रच दिया। बेशक आजादी के जश्न में हर कोई अभी भी डूबा हुआ है। सीतापुर के इतिहास में शायद ये पहला मौका होगा जब स्वतंत्रता दिवस की वर्षगांठ मनाने के बाद भी तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। बुधवार को बिड़ला विद्या मंदिर के छात्र छात्राओं ने तिरंगा यात्रा निकाली। कॉलेज परिसर से प्रातः 8 बजे शुरू हुए पथ संचलन में 2000 से अधिक छात्र छात्राएं शामिल हुए। नगर भ्रमण के दौरान देशभक्ति के जयघोष से समूचा क्षेत्र गुंजायमान हो उठा। परिधान में सुसज्जित छात्र छात्राओं ने भारत माता की जय, वंदे मातरम के नारे लगाए। सड़कों पर मनमोहक और अविस्मरणीय विकरी छटाओं को देख हर किसी का दिल बाग बाग हुआ। प्रधानाचार्य रमाचेत, प्रवक्ता सुभाष चंद्र राजपूत, अंशु वर्मा, अनिल वर्मा, अवनीत वर्मा, प्रवीण बाजपेयी, पूनम देवी, अमृता अवस्थी, विनय वर्मा और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद कार्यकर्ता शामिल हुए। तिरंगा यात्रा को लेकर कॉलेज के प्रवक्ता सुभाष चंद्र राजपूत ने आई इंडिया को बताया। बिरला इंटर कॉलेज हर गांव में आज आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत एक तिरंगा रैली निकाली गई, जिसमें कॉलेज के सभी छात्र एवं छात्राएं, लगभग 2000 छात्र एवं छात्राओं ने भाग लिया, जिसमें जो तिरंगा प्रयोग किया गया इसकी लंबाई 160 मीटर है और ये आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत मनाया गया। और इसका कार्यक्रम का उद्देश्य यही है कि बच्चों के बीच में क्रांतिकारियों को, जिन लोगों ने देश के लिए अपनी जान दे दी, उनको शहीद हो गए, उनको याद करना तथा समाज में भी राष्ट्र के प्रेम की भावना को विकसित करना, ये इसका उद्देश्य था। हर गांव से अनूप रस्तोगी की रिपोर्ट।